सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्ट्रेस में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं पहले बताना चाहूँगा, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है, तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा, जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन थी एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें, जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और तीन पत्ती जैसी फिल्म का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है, इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शियड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी, अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शियड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गांव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गाँव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं। फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनके दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस
ही सिनेमा घर तक पहुंची है। और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे ही मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दो हज़ार पंद्रह के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज़ की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरवीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब कैरेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शियल मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों? गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया, यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है, तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द,
और तीन पत्ती जैसी फिल्मों का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालांकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी चिकसी मूवी पहुँचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शर्ड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शर्ड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गांव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गाँव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं। फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनके दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमाघर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी।
हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्ट्रेस में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरवीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब करेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप फास्ट एड मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे इस मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्ट्रेस में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया, यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और 3 पत्ती जैसी फिल्मों का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शियड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शियड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गाँव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गांव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे बालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं
और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करते हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं, फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनका दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 अवार्ड इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वो यहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरबीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब कैरेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शियल मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है।
तो है दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुँचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शेड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शेड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्ट्रेस में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया, यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पर जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और तीन पत्ती जैसी फिल्म का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शेड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शेड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गाँव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गांव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे बालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं। फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनका दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय
थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण है कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरवीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब कैरेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही थे कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शियल मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू, फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों? गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के
कुछ बारे में दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा। जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और तीन पत्ती जैसी फिल्मों का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालांकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुँचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शर्ड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शर्ड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गांव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गाँव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं, फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनका दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो इंटरनेट
नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज़ की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहाँ पर सेटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरवीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब करेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शियड मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं, और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है, और ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की, और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और 3 पत्ती जैसी फिल्मों का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शियड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शियड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गांव में रानी लज्जो रहा करती थी, और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गाँव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं,
तब कई सारे राज भी सामने आते हैं, फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म की दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनके दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरबीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब करेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शियल मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं
पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे इस मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्ट्रेस में देखने को मिल जाएंगी। हालांकि दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया, यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है, तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पर जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा, जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें, जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और 3 पत्ती जैसी फिल्मों का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालांकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है, इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शियड, यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये एक फिल्म कैसी रही थी, अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शियड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गाँव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गांव में लड़की जाने की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं। फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनके दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें
तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है, स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे हुआ और रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वो यहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरवीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब करेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शियल मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्ट्रेस में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और तीन पत्ती जैसी फिल्म का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें
तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुँचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शर्ड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शर्ड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गांव में रानी लज्जो रहा करती थी, और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गाँव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे बालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं, फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनका दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है, और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन, या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे हुआ और रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं, और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है, और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं, और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरबीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी
आदिल हुसैन, ये सब करेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप फास्ट एड मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों? गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शेड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शेड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और तीन पत्ती जैसी फिल्म का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शेड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शेड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गाँव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गांव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे बालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी, लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं, फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं
दोस्तों, हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनका दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है। जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार, फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन, या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्षद मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का है एक्टिंग, वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज़ की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सेटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरबीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब कैरेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्षद मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों? गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्षद मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्षद एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में,
अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर, साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं तो जो कि इसमें मैन लीड एक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है और ये जो मूवी है रिलीज हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पर जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और 3 पत्ती जैसी फिल्मों का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शर्ड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें तो पार्शर्ड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गांव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गाँव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं, फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनके दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पार्श्व का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है।
अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वो यहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज़ की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरवीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब करेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शियल मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे इस मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया, यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और 3 पत्ती जैसी फिल्मों का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शियड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे
अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये एक फिल्म कैसी रही थी, अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो उस फिल्म की जो कहानी है, क्या कुछ रहने वाली है, वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शियडिट जो कहानी की कहानी है, भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ का बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गाँव में रानी लज्जो रहा करती थी, और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गाँव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं। फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें, तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनके दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है, और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है, तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन, या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें, तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है, और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें, तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है, स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे हुआ रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं, तो आप पार्शियड मूवी को देख सकते हैं, और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है, और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वो यहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं, और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था, जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरबीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब करेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप,
कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्ट शेड मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं, और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्ट शेड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्ट शेड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है, और ये जो मूवी है रिलीज हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की, और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और 3 पत्ती जैसी फिल्मों का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शर्ड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शर्ड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गाँव में रानी लज्जो रहा करती थी, और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गांव में लड़की जाने की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जाने की को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं, फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधान
निर्धनता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल करम्पटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनका दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है। जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार, फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 अवार्ड इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरबीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब कैरेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शर्ड मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शर्ड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शर्ड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में,
अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर, साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं तो जो कि इसमें मैन लीड एक्ट्रेस में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है और ये जो मूवी है रिलीज हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और 3 पत्ती जैसी फिल्म का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्चर्ड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। पार्शेड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गांव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गाँव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं, फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनका दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है।
अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का है एक्टिंग, वो यहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज़ की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहाँ पर सेटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरवीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब करेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रिमाई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही थे कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शियल मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और 3 पत्ती जैसी फिल्मों का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शियड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे
अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी, अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो उस फिल्म की जो कहानी है, क्या कुछ रहने वाली है, वो यहाँ पर बात कर लें। तो फारसी जो कहानी की कहानी है, भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जाकर बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गांव में रानी लज्जो रहा करती थी, और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गाँव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं। फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें, तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनके दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है, और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है, तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन, या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें, तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है, और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें, तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है, स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं, तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं, और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है, और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं, और आपको यह जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे ही मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दो हज़ार पंद्रह के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज़ की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था, जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरबीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब कैरेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में
अभी चल रहे हैं वो यहाँ पर जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्ट शेड मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्ट शेड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्ट शेड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और 3 पत्ती जैसी फिल्म का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शर्ड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शर्ड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गाँव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गांव में लड़की जाने की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं। फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए अकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर
ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनके दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है। जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार, फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमाघर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरबीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब करेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शियल मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्ट्रेस में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है।
इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और 3 पत्ती जैसी फिल्मों का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालांकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शर्ड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शर्ड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गाँव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गांव में लड़की जानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं। फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनका दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे हुआ रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है।
अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वो यहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरवीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब करेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शियल मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर, तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्ट्रेस में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया, यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन है एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और तीन पत्ती जैसी फिल्म का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शियड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे
अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी, अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो उस फिल्म की जो कहानी है, क्या कुछ रहने वाली है, वो यहाँ पर बात कर लें। पार्श्वद जो कहानी की कहानी है, भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गांव में रानी लज्जो रहा करती थी, और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गाँव में लड़की रानी की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे बालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं। फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें, तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनका दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है, और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैश नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किसान का किरदार। फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है, तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन, या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें, तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है, और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें, तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है, स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं, तो आप पार्श्वद मूवी को देख सकते हैं, और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली, और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 अवार्ड इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का एक्टिंग वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं, और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था, जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरबीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब कैरेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, तीन चार से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में
अभी चल रहे हैं वो यहाँ पर जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही थे कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप फास्ट एड मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्ट्रेस की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे। सो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियड मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्शियड एक काफ़ी अच्छी खासी बॉलीवुड की मूवी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं हिंदी भाषा में, अगर ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं इस मूवी को, तो कैसे कैसे मूवी को देखने वाले हैं जानेंगे पूरी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डायरेक्टर लीना यादव ने एक से एक बढ़कर टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो जो कि इसमें मैन लीड एक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन मूवी हो जाती है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया यानी पसंद किया है। और ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 23 सितंबर 2016 को, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी ड्रामा मूवी है एंड काफ़ी पसंद की गई थी दर्शकों की तरफ से। ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे के आसपास है इस मूवी की। और ये जो मूवी है आपके लिए देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को ऑफिशियली रूप से, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा की मूवी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से वॉच करने वाले हैं। ऐसे में जो उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी थी एंड काफ़ी आप इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी कहानी क्या कुछ कैसे रहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के कुछ बारे में। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा जो मूवी है काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन थी एंड आपको काफ़ी स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर दोस्तों बात करें जैसे कि हमारे डायरेक्टर होंगे जो कि लीना यादव ने काफ़ी बड़े सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों शब्द और तीन पत्ती जैसी फिल्म का भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालाँकि दोस्तों उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं अभी तक की बात करें तो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीना है इस बार काफ़ी अच्छी खासी मूवी पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्शियड यानी कि सूखा। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसमें 18 बार इसे अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। तो ये फिल्म कैसी रही थी अब यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पर बात कर लें। तो पार्शियड जो कहानी की कहानी है भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिमी इलाके की कच्छ की है, जहाँ बैकड्रॉप पर आधारित है, जहाँ के दोस्तों एक गाँव में रानी लज्जो रहा करती थी और जहाँ पर रानी के जो पति हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो लज्जो को उसका पति एक बांझ औरत समझता है। रानी अपने 14 साल के बेटे गुलाब की शादी के पास के ही गांव में लड़की जाने की से कर देती है, लेकिन दोस्तों गुलाब उसके छोटे वालों और खुद के दोस्तों की रोक टोक की वजह से जानकी को नापसंद करता है। वहीं दोस्तों कहानी में बिजली का भी अहम रोल है, जो दोस्तों गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए नाचती है। रानी लज्जो और बिजली आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलकर अक्सर अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, तब कई सारे राज भी सामने आते हैं, फिर आपको कहानी को एक नया अंजाम मिलता है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट की बहुत ही तीछाड़ कटार की तरह है, जो कई सारे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है, जैसे बाल विवाह, पंचायती राज, पुरुष प्रधानता और महिलाओं पर अत्याचार। फिल्म के दोस्तों बैकड्रॉप पर कहानी को बाखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं
दोस्तों, हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के लिए एकेडमी अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है, जिनका दोस्तों मैजिक टच आप कई सारे सीन्स में देख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा खिंचा भी दिखाई पड़ता है और कहानी में भी कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके पूरी तरह से कैस नहीं किया गया है। जैसे दोस्तों लघु उद्योग चलाने वाले किशन का किरदार, फिल्म में दोस्तों कुछ इंटीमेट सीन भी हैं लेकिन दोस्तों उन्हें दर्शाने का ढंग काफ़ी अलग है, जिससे ये सीन से कहानी की थोड़ी मांग नज़र आते हैं और उसके बाद अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर पास्ट का हर किरदार अपने आप में खास है तो रानी के दोस्तों रूप में जो कि तनिष्ठा मुखर्जी देखने को मिलेंगी, लज्जू के किरदार में राधिका आप्टे, बिजली के रोल में सुरबीन या फिर जानकी के किरदार निवारी लहर खान, सबने अपने अपने रोल बेहतरीन तरीके से निभाए इस मूवी के अंदर। और वहीं एक छुपे हुए लवर का छोटा रोल एक्टर आदिल हुसैन ने किया है, जो कहानी की रफ्तार में अहम योगदान देता है। बाकी ये सलाहकारों का काम भी काफ़ी सहज है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो फिल्म की कमज़ोर कड़ी शायद इसके मुद्दे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हिंदी फिल्मों को दिखाने के बजाय थोड़े सही नहीं है। बस दोस्तों फिल्मांकन का जो ढंग है थोड़ा सा बदला है, शायद यही कारण कि खास तरह से ऑडियंस ही सिनेमा घर तक पहुंची है और दोस्तों फिल्म इस टाइप से हो जाती है। फिल्म का दोस्तों अगर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है और बैकग्राउंड है स्कोर काफ़ी दिलचस्प है, जो फिल्म के सीन्स के साथ बेहतरीन लगता है। इसके लिए काफ़ी अच्छे हितेश सैनिक को बधाई देने के लिए बोलना पड़ेगा। गानों की क्वालिटी को देखकर उसके पीछे का रिसर्च काफ़ी साफ नज़र आता है। अगर आप दोस्तों मुद्दों पर आधारित एक अलग तरह का फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप पार्शर्ड मूवी को देख सकते हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये जो मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो कहानी इसी प्रकार से रहने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर आगे के सीन्स हैं, क्या कहानी में दिलचस्प मोड आते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया 18 बार इसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो मूवी की स्टोरी है कैसे है, किस एक्टिंग का लेवल, किस लेवल तक का है एक्टिंग, वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाता है इस मूवी के अंदर। तो आप इस मूवी की तरफ बेशक जा सकते हैं और आपको ये जो मूवी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाली है, थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी को कैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने ऑफिशियल रूप से बताया कि इस मूवी को कहाँ ऑफिशियल रूप से अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली रूप से आपको ये जो मूवी है देखने को मिल जाएगी। इसका प्रीमियर दोस्तों 2015 के टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेजेंटेशन में सेक्शन में हुआ था। भारत में जो फिल्म है दोस्तों 23 सितंबर 2016 को रिलीज़ की गई थी, लेकिन जो पहले ही इसका सब कुछ हो गया था जो कि आपको देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों आपके लिए बता दूं कि ये जो मूवी को आप यहां पर सैटेलाइट प्रीमियर भी हो चुका है इस मूवी का पहले ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मूवी है कुछ ज़्यादा दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें मैंने बताया आपको मैन लीड एक्टर्स में राधिका आप्टे जो कि लज्जू का रोल प्ले करेंगी, सुरबीन चावला जो कि बिजली का, तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, ये सब कैरेक्टर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जिसमें आपके लिए माई रे माई, भूकंप, कछुआ और वैसा करके जो बहुत से गाने हैं, 3-4 से ऐसे गाने हैं जो आज के टाइम में भी चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस जो गाने हैं वो इसी मूवी के हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए किस वजह से एक्साइटेड हैं, क्यों इस मूवी को आप देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की कहानी क्या किस मोड पर जाने वाली है, तो इसी प्रकार की इस मूवी की कहानी है। यही तो कुछ इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और कुछ निगेटिव रिव्यूज़ ऑडियंस की तरफ से। तो आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्शियल मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस मूवी को मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी को बिना देखे नहीं रहने वाले हैं और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो है दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी अपकमिंग अपडेट्स, रिव्यू फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलेंगे।